दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे बाल कृष्ण नंद के दुलारे जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे आनंद भयो जे कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की आनंद भयो जे कन्हैया लाल की 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 हाँ जे कन्हैया लाल की कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की आनंद कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल के आनंद भयो जे कन्हैया लाल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय दाऊ जी दयाल की। दाऊ जी दयाल की। दाऊ जी दयाल की। दाऊ जी दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भगवती जन श्रद्धा प्रेम उत्साह से ठाकुर के परम मंगलमय कृपामय वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का हम सब लोग आश्रय लें। जैसा कि कल हम लोग श्री नंदोत्सव का दर्शन कर रहे थे, सभी शास्त्रों का 18 पुराणों का सार अठारह हजार श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी में व्यास्य ने भरा, लेकिन 18 हजार श्लोकों का सार वो 18 श्लोक नंदोत्सव के 18 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय नंदोत्सव की 18 श्लोक ये एक और 8 क्या, एक है ब्रह्म 8 है प्रकृति। जब ब्रह्म प्रकृति के साथ मिलके कोई लीला करना चाहे
एक और आठ अंक मिलता है। माला में 108 दाना, एक ब्रह्म है, आठ प्रकृति है, बीच में जीरो वो माया है। जीरो की अलग रहे तो कोई कीमत नहीं, अंक के साथ रहे तो बहुत बड़ी कीमत है। ये माया अलग रहे तो इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन एक ब्रह्म के साथ है इसलिए इसकी कीमत ज्यादा हो गई। ये 108 का तात्पर्य है। ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों मिलके 108 का अंक हुआ। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। लेकिन हमारे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ने कहा यदि ब्रह्म सत्य है तो उस ब्रह्म का संकल्प इस संसार के रूप में प्रकट हुआ वो भी सत्य है। और दोनों के बीच में जो माया है वो भी परमात्मा की बनाई हुई है। देवी येसा गुणमयी मम माया दुरत्या, वो भी सत्य है। यहां मिथ्या कुछ है ही नहीं। यदि मिथ्या होती तो परमात्मा बनाता क्यों? आपने अपना घर बनाया, आपने अपनी समझ के अनुसार जो भी बनाया वो आपके लिए जरूरत थी इसलिए बनाया। बिना जरूरत के तो एक ईंटा भी नहीं लगवाते आप। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया वो उन्होंने हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाया है। अब हम कहें कि एक ही आंख बना देता, दो क्यों बनाया? यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया होता तो अंधे ही हो गए होते ना। ठाकुर ने एक एक्स्ट्रा बनाया कि एक बल्ब में रोशनी कम भी हो तो चलो दूसरे से कम चलेगा ना। दुनिया वाले जितने फैक्ट्री वाले हैं सब अपनी चिमनी जिसकी धुआं निकलती है ऊपर की ओर बनाते हैं। अब आप कहें कि परमात्मा ने ये हमारी चिमनी जिसकी धुआं निकलती नीचे की ओर क्यों बनाई? यदि ये भी ऊपर की ओर बनती तो क्या तकलीफ थी? बरसात में बिना छाता के निकल सकते थे फिर? हमारी चिमनी में पानी भर गया होता तो झट मर जाते। आप कहेंगे कि आंखों की जरूरत रास्ता देखने के लिए होती है तो भगवान ने घुटना में क्यों नहीं आंख बना दी? ऐसे गर्दन झुकानी नहीं पड़ती, घुटना अपने आप रास्ता देखता आगे बढ़ता जाता। लेकिन घुटना में यदि आंख बनाते परमात्मा, बचपन में कितनी बार हम गिरे होंगे गिनती ही नहीं है। घुटना में आंख होती तो कभी के सूरदास हो गए होते। परमात्मा ने जो भी बनाया हमारे लिए बहुत सोच समझ के बनाया। आप बताओ यदि घुटना में आंख होती, मुंह यहां होता और ये नाक पीठ में हो गई होती और हमें भोजन करना होता तो कितनी देर में करते? घुटना उठा उठा के देखते कि दाल कहां रखी, चावल कहां रखा है, सब्जी कहां, ऐसे देखते ना?